अंतस योग में आपका स्वागत है। घुटने के दर्द से आराम पाना है तो दवाइयों की जगह इन योगासनों का सहारा लें। वैसे घुटनों के दर्द से परेशानी होने पर सभी डॉक्टर्स दवाई खाने की बात करते हैं, लेकिन अगर नियमित रूप से कुछ पैरों की एक्सरसाइज और योगासन का अभ्यास किया जाए तो पैरों और घुटनों के दर्द से अति शीघ्र आराम मिल जाता है। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो योगासन जो पैरों के दर्द से आराम दिलाने में हेल्पफुल होते हैं। पैरों में खून का संचार को बढ़ाने के लिए 90 डिग्री पर होल्ड कीजिए। इससे घुटने और जांघों के मांसपेशियों का कड़ापन खत्म होता है और दर्द में आराम मिलता है, दोनों तरफ से 10-10 टाइम्स। पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए जिससे घुटने के दर्द में आराम मिलता है, सुप्त पवन मुक्तासन। पहली स्थिति में पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके घुटने के नीचे से मिलाएंगे, पैर को चेस्ट की तरफ हल्का सा दबाइए, पंजे को सामने की तरफ नीचे की ओर खींचे, पैर का पूरा दबाव चेस्ट की ओर और धीरे से पैर को छोड़ते हुए। इसी प्रकार दूसरी तरफ से ध्यान रहे पिंडली वाला हिस्सा नीचे की तरफ खींचना है, मैक्सिमम चेस्ट की ओर दबाव, थोड़ा सा स्ट्रेच करिए, 1, 2, 3, 4, 5, धीरे से छोड़ दीजिए। नेक्स्ट अभ्यास बहुत ही इजी, दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए, कोशिश कीजिए एडी हिप से टच हो जाए। अब पैरों के पंजे पर थोड़ा सा स्ट्रेच डालना है, थोड़ा सा हिप को उठाइए, घुटने का आगे की तरफ दबाव, ध्यान रखिए कमर को ज्यादा नहीं उठाना है, थोड़ा सा घुटने पर प्रेशर डालते हुए, जिससे घुटने और थाई की मांसपेशियों पर बहुत अच्छा दबाव पड़ता है। कोशिश करें कमर को ज़्यादा ना उठाएं, पंजे पर पूरी तरह दबाव डालते हुए घुटने को नीचे की ओर, कोशिश करें घुटने मिले रहें, तभी प्रॉपर स्ट्रेच आएगा। धीरे से वापस आ जाइए, रिलैक्स। नेक्स्ट अभ्यास, दोनों पैरों को एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रहे अगर आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप सिंगल सिंगल पैर से पैर को अंदर की तरफ चलाएंगे, दोनों पैरों से अपनी क्षमता अनुसार 10-10 टाइम्स। इसी प्रकार दूसरे पैर से अभ्यास करें। योग के इन हल्के फुल्के अभ्यासों के द्वारा हम घुटने के दर्द में शीघ्रता से आराम पा सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, इन सभी एक्सरसाइज के साथ साथ आपको अपने खाने पीने पर भी ध्यान देना होगा। आपको पता होना चाहिए अर्थराइटिस या गठिया की समस्या में क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए। कोशिश करें यदि आपका अर्थराइटिस पुराना हो चुका है तो उस समय आप दूध या दूध से बने पदार्थ कम लें। दरअसल डेयरी प्रोडक्ट्स खाने से जोड़ों में दर्द बढ़ सकता है। डेयरी उत्पादों में प्रोटीन मौजूद होते हैं, ये प्रोटीन जोड़ों के आसपास के टिश्यूज के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। इसके अलावा गठिया रोगियों के लिए शाकाहारी भोजन का सेवन अति सर्वश्रेष्ठ होता है और प्रोटीन की भरपाई के लिए आप वेजिटेबल्स, पालक, सूखे मेवे, मक्खन, टोफू, बीन्स और मूंग दाल आदि का सेवन कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण टिप, अर्थराइटिस, गठिया, चाहे जोड़ों का दर्द है, उसमें अधिक नमक ना खाएं। आपको पता होना चाहिए कि आपके भोजन में कितना नमक है। वैसे खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए उनमें अधिक नमक मिलाया जाता है, लेकिन अधिक नमक खाने से जोड़ों में सूजन बढ़ जाती है, इसीलिए कम मात्रा में नमक खाएं। कम नमक खाने से गठिया की समस्या में सुधार होता है। दूसरी बात, माइक्रोवेव में पकाए जाने वाले खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक नमक का इस्तेमाल होता है, तो अधिक नमक के सेवन से बचें। बॉडी के जॉइंट्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन बहुत जरूरी है। उनमें पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो जोड़ों में दर्द और गठिया की वजह से होने वाले सूजन को कम करते हैं। खास तौर से पालक में कॉम्पेरोल नामक एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं जो सूजन को कम करते हैं और रोग से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करते हैं। आज फिलहाल इतना ही, देखते रहिए, स्वस्थ रहिए। अंतस योग। उम्मीद है कि इन सभी एक्सरसाइज को आप अपनी डेली रूटीन में ऐड करेंगे। अगर फिर भी कोई समस्या आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।